हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो हम लोग जानेंगे 5 जुलाई 2024 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। प्रश्न संख्या एक है कि ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। ऑप्शन से ऋषि सुनक, ऑप्शन बी कीर रॉडने स्टारमर, ऑप्शन सी जॉनसन मोरिस जॉनसन, और ऑप्शन डी जो बाइडेन। तो प्रश्न संख्या एक, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री जो होंगे वो कीर रॉडने स्टारमर होंगे, जो लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के। जो लेबर पार्टी जो है, जो वहाँ पर संसदीय चुनाव हुए थे, वो 650 सीटों में से अभी तक 326 सीटें जीतकर सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तो इसके जो अगले प्रधानमंत्री होंगे वो कीर रॉडने स्टारमर होंगे, जबकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो ऋषि सुनक हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार थे। प्रश्न संख्या दो है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से अमिताभ गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर बी एन गंगाधर, ऑप्शन सी निकुंज श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी राजीव सिन्हा। तो प्रश्न संख्या दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निकुंज श्रीवास्तव को, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या तीन है कि पत्र सूचना कार्यालय का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से ए धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन बी शेफाली शरण ओझा, ऑप्शन सी मनोज मिश्रा, और ऑप्शन डी दलजीत चौधरी। प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या चार है, किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आगामी शैक्षणिक सत्र से छात्र हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। ऑप्शन से झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न संख्या चार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपना जो राज्य है बिहार राज्य के मेडिकल स्टूडेंट के छात्र अगले वर्ष से हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई कर सकते हैं। प्रश्न संख्या पाँच है कि भारतीय मसाला बोर्ड ने AI आधारित इलायची रोग अध्ययन के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन से NIC, ऑप्शन बी टेक महिंद्रा, ऑप्शन सी विप्रो, और ऑप्शन डी TCS। तो प्रश्न संख्या पंद्रह का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा NIC। प्रश्न संख्या छः है कि हाल ही में स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वे कौन थी। ऑप्शन से संगीतकार, ऑप्शन बी नृत्यांगना, ऑप्शन सी शिक्षाविद, और ऑप्शन डी अभिनेत्री। प्रश्न संख्या छः, हाल ही में स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वे एक अभिनेत्री थी जिनकी 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या छः का सही जवाब ऑप्शन डी अभिनेत्री। प्रश्न संख्या सात है कि देश के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से अमिताभ गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर बी एन गंगाधर, ऑप्शन सी निकुंज श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी राजेंद्र खन्ना। तो प्रश्न संख्या सात का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र खन्ना को देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या आठ, पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया। ऑप्शन से धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन बी शेफाली शरण ओझा, ऑप्शन सी पी गीता, और ऑप्शन डी दलजीत चौधरी। तो प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पी गीता को पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या नौ है कि लोकसभा में सांसदों की शपथ के नियम में बदलाव किया गया, इसके तहत क्या नया प्रावधान है। ऑप्शन से शपथ के अलावा कोई नारा नहीं,
ऑप्शन बी शपथ के अलावा कोई टिप्पणी नहीं, ऑप्शन सी शपथ के बाद सदन से तुरंत बाहर जाना, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। लोकसभा में सांसदों की शपथ के नियम में बदलाव किया गया है कि शपथ के बाद कोई भी सदस्य कोई नारा नहीं लगाएगा और शपथ के अलावा कोई टिप्पणी भी नहीं करेगा, क्योंकि 18वीं लोकसभा में बहुत से सांसदों ने अलग अलग टिप्पणियां और अलग अलग नारे भी लगाए। तो इसको मतलब रोकने के लिए यह नियम काफ़ी ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न संख्या 10 है शंघाई शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ऑप्शन से एस जयशंकर ने, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन सी ज्योति आदित्य सिंधिया ने, और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी ने। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए एस जयशंकर, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री भी एस जयशंकर है। इन्होंने शंघाई शिखर सम्मेलन में 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न संख्या 11 है कि वैश्विक क्षमा दिवस ग्लोबल फॉरगिवनेस डे कब मनाया जाता है, ऑप्शन से 7 जुलाई को, ऑप्शन बी 6 जुलाई को, ऑप्शन सी 3 जुलाई को, और ऑप्शन डी 4 जुलाई को। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 के हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन से धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन बी शेफाली शरण ओझा, ऑप्शन सी मनोज मिश्रा, और ऑप्शन डी दलजीत चौधरी। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा को केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है, ऑप्शन से बीपीसीएल, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन सी एचपीसीएल, और ऑप्शन डी आईओसीएल। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा बीपीसीएल के लिए, इसके साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए भागीदारी की है। प्रश्न संख्या 14 जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है, ऑप्शन से नीति आयोग ने, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय ने, ऑप्शन सी LIC ने, और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय ने। प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा LIC ने। LIC का प्रूफ होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 15 ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है, ऑप्शन से कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी ग्रीन पार्टी, और ऑप्शन डी लिबरल डेमोक्रेट। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेबर पार्टी ने ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में अभूतपूर्व विजय दर्ज की है। 650 वाली सीटों में इसने अभी तक 326 सीटें जीत चुकी है। प्रश्न संख्या 16 है कि सील नागू को किस से उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन से इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बॉम्बे उच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी दिल्ली उच्च न्यायालय। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 17 झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है, ऑप्शन से हेमंत सोरेन ने, ऑप्शन बी चंपई सोरेन ने, ऑप्शन सी तेजस्वी यादव ने, और ऑप्शन डी जीतराम मांझी ने। तो प्रश्न संख्या 17 झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ये 13वें मुख्यमंत्री है झारखंड के जब से झारखंड राज्य बना है, साथ ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले ये अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन के बाद तीसरे व्यक्ति हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इनकी पार्टी है इसके सदस्य है और उनके कार्यकारी अध्यक्ष भी है।
वह संख्या ईडी ने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हें जेल में रखा था, जिसके बाद इन्हें रिहाई मिली है। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नो मैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मेघालय। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन डी मेघालय। प्रश्न संख्या 19 से कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन से बीजिंग में, ऑप्शन बी अस्ताना में, ऑप्शन सी मास्को में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 आयोजित होगा। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं। CMD मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑप्शन से अमिताभ गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर BN गंगाधर, ऑप्शन सी निकुंज श्रीवास्तव और ऑप्शन डी रविंद्र कुमार त्यागी। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्र कुमार त्यागी को PGCIL के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 21 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी नीदरलैंड और ऑप्शन डी जापान। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जापान को हाल ही में SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए जापान को साझेदार घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 5 जुलाई 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल देर रात भारतीय टीम जो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित 2024 वर्ल्ड कप T20 को जीतकर भारतीय टीम स्वदेश लौटी है, जहां पर इसका वानखेड़े स्टेडियम में अभूतपूर्व स्वागत कम अभिनंदन हुआ है। तो ये हम सभी भारतवासियों के लिए काफ़ी गौरव का क्षण है और हम सभी भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देते हैं कि वो आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही ICC ट्रॉफी जीतकर लाएं और भारत के खेल प्रेमियों को मतलब गौरवान्वित महसूस कराएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।